स्त्री भगवान है, भगवान को समझो चाहे स्त्री को समझो, दोनों बराबर है। स्त्री भगवान है, भगवान सृजन करता है, स्त्री भी सृजन करती है। भगवान भी कमजोर लोगों को, भिगमंगों को नहीं पसंद करता, स्त्री भी कमजोर और भिगमंगों को नहीं पसंद करती। दोनों का जो नेचर है वो बिल्कुल एक जैसा है। वुमन एंड गॉड, ये सृजन करती है, क्रिएशन, ये भी क्रिएशन करते हैं। ये वीक और वीक, कमजोर और भिगमंगों को नहीं पसंद करती, ये भी नहीं करते। शक्ति पसंद है, पावर, इसको भी पावर पसंद है। इसको कोई जातिवाद से लेना देना नहीं है, ना जाति ना धर्म ना क्षेत्र, ना जाति ना धर्म ना क्षेत्र, कुछ भी नहीं। अगर सारे धर्म ग्रंथ स्त्री लिखी होती ना तो परम स्त्री का भी कॉन्सेप्ट होता और आदिशक्ति का कॉन्सेप्ट तो है ही है। और इसको भी किसी के धर्म जाति धर्म क्षेत्र से कोई मतलब ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रात में जब ये कोर्स खत्म हो, हाथ पैर धुलना है, कोई बढ़िया साहित्य किताब उठानी है, माँ बाप का पैर छूना है, रात्रि की तैयारी ऐसे है।